फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अजीत बिजनेस आइडियाज में। मैं हूं आपका दोस्त महेंद्र सिंह। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले। जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाते, जो भी हमारी वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचती, और आपको पता है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि इसका कोई चार्जेस नहीं होता। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस चीज का वीडियो बना रहा हूँ। मैं स्पेशल आया हूँ मैं आगरा के लिए। आपने देखा कुछ समय पहले मैंने स्लीपर मेकिंग मशीन जो बनाई थी, वीडियो बनाई थी, आपने कमेंट किया था सर ये काफ़ी महंगी है। उसके बाद एक और मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें फिर आपने कहा सर ये भी महंगी है। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए सबसे सस्ती मशीन लेके आए और जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, आपको खुद दिखाऊंगा यहाँ पे कि कैसे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। और जो आपने मशीन देखी हो, काफ़ी छोटी सी मशीन है, इतनी सी मशीन है जितने एक सिलाई मशीन है, कॉफ़ी की मशीन देखी होगी, इतनी सी मशीन है और इतना जबरदस्त बिजनेस से चलने वाला है ये। आइए इसके बारे में सर से बात करते हैं। और मेन बात, यहाँ पे मशीन भी मिल जाएगी और सारा रॉ मटेरियल भी आपको मिल जाएगा। हेलो सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। सबसे पहले तो बढ़िया जी, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए और अपनी कंपनी का नाम बताइए। सर मेरा नाम है मोहम्मद सोहेल और मेरी कंपनी का नाम है फ्लोरिडा स्टाइल, जैसा कि पीछे पैनल लगा हुआ है, और हम यहाँ आगरा में है। सब लोग वैसे हमें जानते हैं, हर बड़े यूट्यूब चैनल पे हमारा वीडियो है, हम किस तरीके से काम करते हैं, क्या क्या काम करते हैं हमारे पास। तो सर कब से कर रहे हैं वाला काम आप? सर आपको काफी टाइम हो गया करते करते, लगभग ऑलमोस्ट 5 से 6 साल करीब हो गए करते करते। सर सबसे पहले तो मैं देख के आपको हैरान हो गया, इतनी आपकी हाइट को देख के कि आप खली का दूसरा रूप हो, मैं तो देख के हैरान हो गया कि आप अगर खड़े होंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इनकी कितनी हाइट है, मैं तो बिल्कुल बच्चा लूंगा इनके सामने। तो इसका भी थोड़ा राज बताइए कि इतनी लंबी हाइट कैसे हुई है आपकी? लंबी कैसे हुई ये तो मैं नहीं बता सकता, बस ये गॉड गिफ्ट एक तरह से, ऊपर वाले का दिया हुआ तोहफा, लेकिन ये की हाँ हाइट अच्छी है और अप्रिशिएट मिलता है उसका। तो हमें भी आइडिया बताइए सर, हमारी भी हाइट कुछ लंबी हो जाए ऐसा कुछ नहीं है? जो मर्जी है वो खाइए, जो अच्छा लगे वो खाइए, यही इसका एक तरह का आइडिया है। तो फ्रेंड्स, मैं इनकी हाइट दिखाना चाहता हूँ, आप देखिए मैं से कितने लंबे हो, मैं कितना बच्चा लग रहा हूँ इनके सामने। खली का दूसरा रूप है बिल्कुल। ये अवतार मशीन है, ठीक है ना, ये इतना ही है, बस इतना है और पीछे से इतना है। ये सैंपल का मशीन है जो कि हमारे यहाँ पे डेमो रखा रहता है, तो इसमें आपको ये थोड़े पार्ट दिख रहे हैं, क्योंकि ये लड़के काम करते हैं ना, वो कवर हटा देते हैं, ठीक है ना। आपको मशीन जो मिलेगा वो पूरा पैक्ड मिलेगा, किसी भी तरीके का कोई आइटम आपको बाहर नहीं दिख रहा होगा, आपको नॉर्मली मिलेगा। तो ये अवतार मशीन है, हमारा कॉम्पैक्ट मशीन है। अब मैं आपको एक बार ये चला के दिखाता हूँ कि किस तरीके से इस पर काम किया जाता है, किस तरीके से यूज किया जाता है, इसकी पावर दिखाता हूँ मैं आपको कि इसमें पावर कितनी है। तो ये जैसे कि ऑन कर दिया, यहाँ पे एक MCB का स्विच होता है, इसको आप ऑन करेंगे, अब ये मशीन चालू, किसी तरीके की कोई हिला मतलब हिल नहीं रहा है, किसी तरीके से कोई वो नहीं रहता। ये एक लीवर बॉक्स है, पहले यहाँ पे एक लीवर बॉक्स हुआ करता था, जिसको हम इस तरीके से करते थे तो नीचे आता था, इस तरीके से करते थे ऊपर आता था। हमने उस चीज को खत्म करके अब इस चीज को ले आए हैं, आपको पूरा पैक मशीन मिलेगा, सिर्फ यही नोब एक आपको बाहर मिल रही होगी। तो मैं इसको ऑन करता हूँ, ये इस तरीके से आप इस नोब को ऊपर करेंगे, प्लेट नीचे आ जाएगा। अब मैं आपको इसकी पावर दिखाता हूँ कि किस तरीके से काट सकते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड आप देख रहे हैं, ये 16 mm का एक शीट है और ये 3 लेयर में लगा हुआ है, इसके नीचे 3 लेयर हैं, 1, 2 और 3। अब मैं आपको इस पे कटिंग करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से 3 शीट को एक बार में ही काट देगा पूरा अच्छी तरीके से। क्या बात सर, एक बार में ही? जी हाँ सर, ये काट तो ज्यादा सकता है लेकिन डाई के अंदर ना गैप कम होता है, वरना ये काट तो आराम से 4 से 5 शीट देगा, लेकिन वो डाई अंदर तक घुसता नहीं है, उसमें नीचे प्लेट लगी होती है, इसलिए रोक देता है ना, अगर ये इसको हटा दिया जाए तो लगभग 5 से 6 शीट बड़े आराम से काट देगा, लेकिन अभी के हिसाब से 3 शीट इसने काटा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से, कितना अच्छा फिनिशिंग के साथ काटा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये फैंसी वाला रॉ मटेरियल है,
इसके नीचे वाली जो हमने ब्लैक शीट काटी थी वो इसके नीचे चिपकाई जाती है ये ऊपर, तो अब इसकी कटिंग करके दिखाएंगे आपको। तो ये हमारा वही फैंसी शीट है, वो जो कटोरी में आप देख रहे हैं वो एक तरीके का केमिकल है जो कि इस पे लगाया जाएगा। बस सिंपली वे में आपको लगाना है, हाथ से ही, कुछ नहीं करना है आपको, इसको दोनों तरफ लगाना है आपको। ये बहुत ज्यादा जल्दी सूखने वाला प्रोडक्ट है, किसी भी तरीके से मतलब एक दो तीन सेकंड में रखे रखे अपने आप सूख जाएगा। दोनों लेयर पे लगाना है, वो नीचे की लेयर है और वो ऊपर की लेयर है। ये केमिकल को लगा दिया आपने, ये एक मिनट का टाइम लेगा सूखने के लिए। तो जैसे कि केमिकल हमने इस पे लगाया था चप्पल पे, अब ये सूख चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल वे में इसको लेके बस चिपका देना है। हाथ का काम है, कोई मशीन का काम नहीं है, कोई किसी भी तरीके का कुछ काम नहीं है। ये आपका चिपक जाएगा इस तरीके से, ये चिपक गया। इसको हल्का सा प्रेस कर दीजिएगा किसी भी चीज से, ये कोई भी चीज हो सकती है। ये इस तरीके से बन गया। अब इसमें वही प्रोसेस दिखाएंगे आपको, ड्रिल मशीन और स्ट्रैप डालने का। तो सर ये ड्रिल का प्रोसेस है, ड्रिल कर रहे हैं चप्पल में छेद। जैसे कि आप तो लोग जानते हैं कि डाई से ही उसमें होल बना दिए जाते हैं, बाकी उसको ड्रिल बिट से लेके आपको होल करना है उसके अंदर। तो आपका ये चप्पल में छेद हो चुका है इस तरीके से, बाकी इसमें आप सीटी डालने का काम रहेंगे वो भी आपको डालते रहते। तो सर जैसे कि ये चप्पल पे हमने ड्रिल बिट का ड्रिल कर लिया था, अब इसमें स्ट्रैप लगाने का है। ये आपका सिंपल सा है, इसमें स्ट्रैप को लगाइए और ये स्ट्रैप इसके अंदर चला गया। बहुत इजी प्रोसेस है। ये डबल साइडेड टेबल है, इसमें दो लोग साथ में काम कर सकते हैं। इसका एक सिंगल साइडेड वर्जन भी आता है, लेकिन डबल साइडेड वर्जन सही रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आराम से आपने देखा कितनी जल्दी हमने एक चिपकाने वाले प्रोसेस से एक जोड़ी चप्पल रेडी कर लिया और किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आई। ये हमने अभी आपके सामने ही काटा था, आपके सामने ही चिपकाया, आपके सामने इसके अंदर फीती भी डाल दिया। सर ये हम पूरा रॉ मटेरियल लगा के मशीन का खर्चा लगा के आपको कितने की पड़ी है और इसको हम मार्केट में कितने के सेल कर सकते हैं? सर देखिए, आप जो मशीन लेके जाएंगे उसके बाद जो आप रॉ मटेरियल से इस तरीके का चप्पल बनाएंगे, ये थोड़ा फैंसी चप्पल है, ये गांव देहातों में नहीं चलता, ये शहर का चप्पल है, शहर में बिकेगा क्योंकि नॉर्मली शहर के ही लोग पसंद करते हैं। ये आपको 50 से लेके 55 मतलब 50 रुपए से लेके 55 रुपए तक की रेट का पड़ेगा पूरा, ठीक है, जिसको कि आप आगे 80 रुपए तक होलसेल में बेच सकते हैं अपने लोकल एरिया में। तो सर देख, आपने देखा कि किस तरीके से हमारा ये अवतार मशीन काम करता है। इंडिया का सबसे कॉम्पैक्ट मशीन है, सबसे सस्ता मशीन है हमारे पास, और इसका ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे कि ये इतना बड़ा मशीन है बस ये यहीं पर खत्म हो चुका है ना। आप भी देख रहे होंगे सर, 2x2 के टेबल पे ये रखा हुआ है। इसके अलावा इसके साथ कोई भी कहीं से भी सेट नहीं है, इसकी टंकी भी इसी के अंदर मौजूद है, इसका सारा सामान इसी के अंदर मौजूद है। बाकी के जो मशीन आपने देख रहे हैं उनका मशीन ही मशीन आपको ऊपर का दिखाया जा रहा है, नीचे का सेट नहीं दिखाया जा रहा। तो अवतार मशीन अगर आप लेंगे तो आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे ज्यादा पावर है इस मशीन के अंदर। इस मशीन से आप एक शूज का पैटर्न आता है हमारे यहाँ पे आगरा में, जिसको कि हम लेदर बोर्ड बोलते हैं, वो लेदर बोर्ड भी आप इससे काट सकते हैं, ठीक है ना। ये रबड़ है, रबड़ मैंने आपको 3 शीट काट के ही दिखाया है, इससे ज्यादा भी शीट कट सकती हैं। तो अवतार मशीन सबसे सस्ता मशीन हमारे पास अवेलेबल है क्योंकि इसका निर्माता ही हम लोग हैं। 8 महीने पहले हमने इसका वीडियो बनाया था, वो वीडियो आज भी कायम है, आज भी इस मशीन की सबसे ज्यादा डिमांड है। सर प्राइस क्या है इस मशीन का? इस मशीन का मैंने आपको बताया था, पूरे सेट का प्राइस है 48,000 रुपीज। उसमें क्या क्या सेटअप देंगे सर? उसमें मैं आपको एक ग्राइंडर दूंगा जिसके अंदर ड्रिल बिट लगा हुआ होगा, 10 डाइयां दूंगा, एक स्टेप लगाने का हुक दूंगा। ये पूरा सामान मैं आपको 48,000 रुपए में दूंगा, GST इसका अलग से होगा। तो सर जैसा कि अवतार मशीन हो गया, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये सारे ग्राइंडर रखे हुए हैं
जैसे कि आपने मुझसे पूछा था कि कोई बंदा मशीन नहीं लेना चाहता, मटेरियल लेना चाहता है, या किसी के पास मटेरियल है वो मशीन लेना चाहता है, या वो ग्राइंडर लेना चाहता है, कुछ भी आप हमसे ले सकते हैं। हमारे पास आप ग्राइंडर, ड्रिल बिट, स्टेप, रबर की शीटें, मशीन, जो मर्जी है आप वो ले सकते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये सब अलग अलग है। इधर रबड़ के स्ट्रैप रखे हुए हैं, वो फैंसी स्ट्रैप है। ये अलग अलग साइज के सारे अलग अलग कलर के रबड़ के स्ट्रैप्स हैं। कितने सारे हैं यहाँ पे, जितने चाहे आप ले आ सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये अलग अलग तरीके की सारे शीट्स हैं सर, जिसमें कि हम चप्पल बनाएंगे आपकी, अलग अलग तरीके से फैंसी शीट हैं ये सारे, जो भी बना सकते हैं आप। अपने अगर लेफ्ट में मुड़ेंगे तो ये शीट कुछ अलग रखे हुए हैं, यहाँ पे स्ट्रैप्स रखे हुए हैं, यहाँ पे स्ट्रैप्स रखे हुए हैं, अलग तरीके का। ये लेडीज के स्ट्रैप्स हैं, अलग अलग साइज में और अलग अलग कलर में, यहाँ से लेके यहाँ तक जितने चाहे उसमें। ये फिर कुछ शीट आ गए यहाँ पे फैंसी के द्वारा से, जो कि अलग अलग कलर में मौजूद है। इनका सबका अलग अलग प्राइस है, कोई 500 का है, कोई 400 रुपए का है, किसी में 16 जोड़ी है, किसी में 18 जोड़ी है, इसी तरह से क्वालिटी वाइज उनका प्राइस चेंज होता रहेगा। थोड़ा सा और आगे आएंगे तो यहाँ पे कुछ और शीट रखे हुए हैं। तो ये अलग अलग तरीके की शीट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये शीट सर, ये देखिए इसमें कितने सारे कलर हैं यहाँ पर। ये मात्र 280 रुपए का शीट है, जिसमें 18 से 20 जोड़ियां निकलेंगी, 18 तो कंफर्म निकलेंगी, प्लस में आपकी कटिंग स्किल कितना है उस हिसाब से आप उसको ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं। कुछ स्ट्रैप्स यहाँ पे रखे हैं, उधर रबड़ के बॉक्स रखे हैं सामने आपके, बॉक्स भी ले सकते हैं यहाँ। ये शीट रखे हुए हैं, स्ट्रैप टेबल भी है यहाँ पर। तो चप्पल से रिलेटेड एवरीथिंग। आप थोड़ा बाहर की तरफ चलेंगे, मैं आपको एक नई ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक मशीन दिखाता हूँ कि वो किस तरीके से काम करती है। तो जैसा कि अब हम बाहर की तरफ आ गए हैं, तो बाहर की तरफ लाने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि मैं आपको ये मशीन दिखाना चाहता था कि ये हाइड्रोलिक ऑटोमेटिक मशीन है, ठीक है ना। इसका क्या है कि ये सर ऑटो पे चलती है, ऑटो पे आप टाइमर लगा देंगे, टाइमर से सेट हो जाएगी, इन दो बटनों को काम करेंगे मैनुअल हो जाएगा। इसका नीचे लीवर दिया गया है, ये भी लीवर दिया गया है। ये चप्पल बनाने के काम नहीं आती सर, ये चप्पल भी बना देगी, लेकिन ये कॉमर्शियल यूज में आती है। चप्पल की तो ये समझ लीजिएगा कि रेड कर देगी, लोहा तक काट देगी, इतना पावरफुल है इसका। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये लगभग 20 mm की शीट है और बहुत ज्यादा सॉलिड शीट है। 1, 2, 3, ठीक है ना। 3 वही वाली बात मैंने आपको बताया था कि डाई में 3 से ज्यादा का स्पेस है ही नहीं, तो वही है। नहीं तो ये तो आपको देखो किस तरीके से काट के दिखाती है। तो सिंपल वे में आपको लगाया, तो इसका सिंपल वे में है। मैं अभी आपको मैनुअल में चला के दिखाता हूँ इसको कि किस तरीके से ये आएगी आपकी। ये मैंने मीटर पे करंट आ गया आपका, इसको आप नीचे कीजिए। अब आप देखिए रबड़ की ये क्या अलग कर देती है, इसको ऊपर कर देती है। ये निकाल के दिखाएंगे आपको, पूरी शीट ही फाड़ दी सर उसने। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि रबड़ को तो तहस तहस कर देगा ये। एक अगर आप मतलब कॉमर्शियल है ये, अगर आप किसी को कॉमर्शियल बनवानी है मशीन, तो आप इस तरीके से भी बनवा सकते हैं। कितना भी बड़ा पावर प्रेस आप मुझसे बनवा सकते हैं। आप देखिए इसने चप्पल की क्या हालत करी है, इसने मतलब ये देखिए पूरी शीट को ही पिचका दिया है ना। तो इसका प्रेशर आप देख सकते हैं। तो ये इसका मकसद ये था कि अगर कोई कॉमर्शियल वाला बंदा मुझसे बनवाना चाहता है, तो आप कितने से बता कितना बड़ा पावर बेस भी आप हमसे बनवा सकते हैं। तो सर मैंने आपके जैसे ऑफिस में विजिट किया, देखा सामने पड़े मेरे, तो ये वाली शीट मैंने कहीं भी नहीं देखी है। काफी सारी मैंने वीडियोस बनाई है, बिल्कुल ही यूनिक लगी है, अलग लग रही है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो जितना भी रॉ मटेरियल है, हर कोई, आपने बहुत वीडियो बनाए होंगे, आपको सब जने यही कहते हैं कि मैं मैन्युफैक्चरर हूँ। हाँ जी, हाँ जी। असल में मैन्युफैक्चरर कोई नहीं है, सब ट्रेडर है ना, सब खरीदते हैं। लेकिन रियलिटी में ये जो शीट है हमारे पास रखा हुई है, ये सिर्फ हम खुद की मैन्युफैक्चर करते हैं, हम किसी से नहीं लेते। और अगर किसी कस्टमर को इस पे है, आप हमसे इसमें मॉडिफाइड भी करवा सकते हैं, आप इसमें कलर भी चेंज करा सकते हैं, आप अपना नाम भी लिखवा सकते हैं, आप इसमें कुछ भी हमसे आप करा सकते हैं, हम आपको ये करके देंगे। तो सर एक चीज और भी पूछना चाहूंगा कि मैंने और भी काफी सारी वीडियोस बना रखी है, लेकिन लोग आपको पता कमेंट करते हैं, तो उसमें बता रहे थे काफी महंगी है, तो मैंने स्पेशल सर्च किया था और अच्छा हुआ कि कई दिनों से मेरे आपसे ही बात चल रही थी, लेकिन कई बार मेरे पास टाइम नहीं था और आपके पास भी टाइम नहीं था। तो लोग कमेंट करते हैं सर सस्ती मशीन के बारे में थोड़ा बताइए, तो आपके पास इतनी सस्ती मशीन है किस लिए है इतनी? सर देखिए ऐसा है, जैसे कि अवतार मशीन का यूट्यूब पे अगर कोई बंदा सर्च करता होगा, तो सबसे पहला वीडियो मेरा आएगा, जो कि कम से कम 8 month ओल्ड है। क्या बात है, ठीक है ना। मतलब 8 महीने पहले हमने इस मशीन को लॉन्च किया था। इस मशीन को डिजाइन हमने खुद ने करा है, हमारी खुद की फैक्ट्री में बनती है, ठीक है ना। हम इसके मतलब एक तरह से निर्माता है,
अब जो आपने वीडियो बनाई वो अभी जनवरी में बनाई, वो भी कैसे बनाई कि उस बंदे ने मशीन ले जाके, कस्टमर बनकर हमारे पास आया, मशीन ले गया, उसकी हमारी की कॉपी उसने कर दी, ठीक है ना। हमारे पास जो मशीन अवेलेबल है वो 48,000 रुपए में अवेलेबल है, जिसके साथ हम आपको एक ग्राइंडर देंगे, ड्रिल बिट देंगे, डाइया देंगे और फीती लगाने वाला हुक देंगे, ये हम देंगे आपको 48,000 रुपए में। वहां पे कितने में मिल रही है? 65,000 रुपए में। उसकी भी वजह है, उसकी वजह क्या है कि वो हमारे से ही कॉपी करके ले जा रहे हैं और हमारे से ही मशीन खरीद रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो महंगी ही देंगे वहां पे। तो सर जो ये मशीन जो चलती है इसके लिए पावर सप्लाई कितनी चाहिए? पावर सप्लाई नॉर्मल घरेलू लाइट पे चलती है। और प्रोडक्शन कितना होगा इस मशीन का? प्रोडक्शन सर कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी चाहे उतनी चप्पल काट सकते हैं इससे, 600-700 जोड़ी पर डे में बहुत आसानी से काट सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। सर ट्रांसपोर्ट की क्या सुविधा होती है आपके पास में? ट्रांसपोर्ट सर मैं पूरे पैन इंडिया में कहीं पर भी करवा दूंगा, उसके अलावा मैं आपका नेपाल में ट्रांसपोर्ट करवा दूंगा, आसपास के जो हमारे बाकी के वो हैं वहां पे भी ट्रांसपोर्ट करा दूंगा। प्लस मैं अभी ट्रांसपोर्ट से याद आया, अभी मेरे पास एक मशीन का ऑर्डर आया हुआ है जो कि कनाडा से आया हुआ है। क्या बात है, मतलब उनको कनाडा मशीन लगा के देनी है मेरे को, 4 मशीनों का ऑर्डर आया हुआ है जो कि यही 29 तारीख को मुझे मशीनें देनी है, तो मैं कनाडा के लिए भी आपकी किसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन करवा दूंगा। और पेमेंट मोड कैसे लेते हैं सर? पेमेंट मोड हम हर तरीके से लेते हैं, आप डीडी ला सकते हैं, आप चेक ला सकते हैं, आप कैश ला सकते हैं, जैसा चाहे आप। और कॉलिंग टाइम क्या होगा सर आपका? कॉलिंग टाइम सर हमारा 10 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक होगा। किस दिन क्लोज भी होता है सर? संडे को क्लोज, संडे को क्लोज होता है। तो सर और मतलब ये जो पैकिंग से लेके शीट तक जो भी नाम लिखा जाता है तो आप सारा करवा के देते हो उनको? बिल्कुल सर, मैं आप कस्टमर जो भी मुझे नाम बताएंगे, जो भी चीज बताएंगे मैं आपके लिए वो करवा के दूंगा। आप किसी भी तरीके से मुझसे बनवा सकते हैं, आप अपना ब्रांड नेम बनवा सकते हैं, आप बॉक्स बनवा सकते हैं, आप अपने फर्मे पे जो पेंटिंग से हम करते हैं आप वो भी करवा सकते हैं, वो भी करके देते हैं। तो सर कोई अगर आपसे खाली मशीन ना ले, खाली रॉ मटेरियल लेना चाहे तो वो भी ले सकता है? बिल्कुल सर, क्यों नहीं। अगर किसी बंदे ने मशीन ले रखी है, उसको रॉ मटेरियल कहीं से नहीं प्रोवाइड हो रहा है, तो हमारे पास आ सकता है सबसे चीप मटेरियल, मतलब मात्र 22 रुपए में चप्पल बनके रेडी हो जाएगा। जैसा कि ये चप्पल है, ये पूरा कंप्लीट जो चप्पल हुआ है 22 रुपए में हुआ है लेडीज का, और ये वाला जो ब्लैक वाला चप्पल है ये जेंट्स का चप्पल है, ये सिर्फ 25 रुपए में रेडी होगी। तो सर मैंने इसको पकड़ के भी देखा था, इनकी क्वालिटी भी देखी था फ्रेंड्स, आप देख सकते हो बिल्कुल भी नहीं, कुछ ना तो फोड़ सकते हैं, ना कुछ स्क्रैच आ रहा है इसके ऊपर। मैंने सारी लगभग जब ऑफिस में बैठा था मैंने चेक किया था, और काफी अच्छी क्वालिटी की चप्पल है, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। मात्र 25 रुपए का चप्पल है, बाकी इसी तरीके से सारे सैंपल भी लगे हुए हैं। हमारे यहाँ पे 22 रुपए का चप्पल स्टार्ट हो जाता है, जो की 22, 25, 28, 30, 32 इस तरीके से आपका क्वालिटी वाइज बढ़ता चले जाएगा ऊपर की तरफ। सर सबसे पहले तो अपना एड्रेस बताइए, जो हमारे व्यूवर्स जो कस्टमर आपके पास आएंगे इस हिसाब से बताइए जो उनको दिक्कत ना हो आपके पास पहुंचने में। जी एड्रेस के लिए आपको कुछ नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी एड्रेस डाल के देता हूं, और जो नंबर आ रहे हैं आप उन पे कॉलिंग कीजिए, अगर कॉलिंग नहीं लगता है किसी वजह तो आप उस पे नॉर्मल व्हाट्सएप डाल दीजिएगा, व्हाट्सएप पे आपको पूरा एड्रेस भी मिल जाएगा और किस किस तरीके का हमारे पास क्या क्या चीज है उसके भी आपको सैंपल बताओ, व्हाट्सएप पे हम डाल देंगे, किसी भी तरीके से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप मशीन बाय करना चाहते हैं या रॉ मटेरियल लेना चाहते हैं तो आप सामने देख सकते हैं डिस्प्ले पे नंबर प्लेस हो रहा है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी इनका एड्रेस और मोबाइल नंबर दिया हुआ है। तो सर आप बता रहे थे कि आपका भी अपना भी कोई चैनल है? जी हाँ, मेरा भी चैनल है, मेरा नाम सुहेल सिद्दीकी है, तो अगर आप यूट्यूब पे सुहेल सिद्दीकी डालेंगे तो वो नीचे अपना भी फ्लैश होके आ जाएगा, सुहेल सिद्दीकी टॉल मैन के नाम से, आप उस पर भी जाके मेरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जिसपे कि ऐसा होता है कि आपका आना हर वक्त पॉसिबल नहीं होता, तो मैं वहाँ पे भी बहुत सारी चीज अपडेट कर देता हूँ, नई चीज क्या आई हुई है, किस तरीके से मशीन में कोई अपडेट हुआ है या मशीन में कोई अपडेट हुआ है या माल कोई नया आया या कोई डिजाइन बना है, तो आप उस पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो सर इसकी जो जो मशीन होती है इसकी केयर कैसे की जाती है, कोई क्या इसके अंदर मेजर प्रॉब्लम क्या आती है थोड़ा बताएंगे? सर मशीन के अंदर कोई भी मेजर प्रॉब्लम कभी भी नहीं आती। बहुत ज्यादा दिक्कत जब हो जाती है जबकि कस्टमर का ट्रांसपोर्टेशन पे कुछ हल्का फुल्का सा आइटम टूट जाता है, तो इस मशीन में हमने वो भी मॉडिफिकेशन करवा दिया है कि एक पहले लीवर बॉक्स आता था हमारा, वो टूटने की शिकायत बहुत ज्यादा आ रही थी, हमने उस लीवर बॉक्स को ही हटा दिया, तो वो टूटने की शिकायत भी इस वक्त इस मशीन में दूर है। तो उसकी वारंटी गारंटी इस मशीन की सर कुछ? सर वारंटी गारंटी मशीन की ये है कि मशीन वैसे तो कभी खराब नहीं होता, अगर आप स्टेबलाइजर से चला रहे हैं उसमें लाइट बहुत अच्छा आ रहा है तो मशीन कभी खराब नहीं होगा, आप बेफिक्र होके उसको लाइफ टाइम चला सकते हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर ऐसा तो नहीं कि कोई आपसे मशीन बाय कर लेता और आप उसकी सर्विस ना दे पाए, ऐसा तो नहीं कुछ, क्योंकि लोग कमेंट करते हैं सर होता है? सर देखिए ये काम मैं मोस्टली मैं किसी का नाम लेके बात नहीं करूंगा, ये काम NCR में बहुत होता है, वो लोग मशीन बेचने के बाद कस्टमर को जानते ही नहीं है कि कस्टमर कौन है ना, लेकिन मेरे पास ऐसा नहीं है, अगर मेरे से किसी को शिकायत है मैं बकायदा यूट्यूब पे उनके कमेंट में भी जवाब देता हूँ,
और मैं सबसे यही कहता हूं कि अगर आपको मेरे से किसी तरीके की कोई दिक्कत है, आप YouTube पे कमेंट ना करें, क्योंकि वहां पे आपकी कोई कंप्लेंट नहीं होगी। आप मुझे डायरेक्ट कॉल करें, जैसे आप मशीन लेने के वक्त मेरे पास आए, आप ऐसे ही हक से मेरे पास आए कि सर इसमें मेरे को ये दिक्कत है, मैं सॉल्व करके दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो सर जैसे कि ये सारे सैंपल्स रखे हुए हैं, ये इस तरीके की चप्पल है, ये देखिए, ये रेडी टू मेड मिलेगी हमारे यहाँ से। इसके तो बहुत ज्यादा डिमांड है सर, आजकल पूरे इंडिया में आप देखेंगे इसके पूरे इंडिया में ऑर्डर। ये आपको होलसेल जो दिल्ली में मिलता है वो 115 रुपए का मिलता है, लेकिन मैं आपको यहाँ से होलसेल सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए में दे दूंगा इसका ऑर्डर जो भी रहेगा। बाकी के ये सारे आप मशीन से बना सकते हैं जिस भी तरीके से। ये रिलैक्सो की क्वालिटी है, ये देखिए कितनी बेहतरीन कंपनी की क्वालिटी की चप्पल है। तो ये इस तरीके से सारे इनकी जो शीट्स रखे हुए हैं, फैंसी शीट्स, वही सब इधर रखे हुए हैं अलग अलग कलर में। ये अलग अलग कलर की शीट्स रखे हुए हैं, देखिए कितने ही सारे शीट्स हैं, कितने ही डिजाइन है। तो आप इसमें किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन करके बहुत फैंसी, बहुत अच्छी चप्पल बना सकते हैं। और इसमें आप अगर अपना नाम डलवाना चाहते हैं, आप अपना नाम डलवा सकते हैं, अपनी पसंद का कोई कलर डलवाना चाहते हैं, आप वो भी इसमें डलवा सकते हैं। बाकी का मैं आपको उधर साइड में दिखाऊंगा। तो कुछ और चीजें भी रखी हुई है, जैसे की तो गाइस ये आप जैसे मेरे पीछे देख रहे हैं, ये 150 टन का हाइड्रोलिक मशीन है। ये मशीन क्या है, ये पेपर गत्ते वगैरह की काम आती है, जो कि वेस्टेज होता है, जो कि हम कबाड़े में बेच देते हैं। तो उसको इकट्ठा करके एक जगह पे लाया जाता है, फिर उसके बाद इसमें रखा जाता है, ये उसकी बंडल बना देता है कागज के, जो कि बाकी के कागज के गोदाम वगैरह में जाने के काम आता है, रिसाइकिल होकर दोबारा से उसके कागज के काम में आता है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, वो भी है इस तरीके से है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी बहुत सारी मशीन है। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अवतार मशीन ही बनाते हैं, हमारा बहुत पुराना काम है, हम और बहुत अच्छी तरीके से मशीनें और बहुत अच्छी मशीनें बनाते हैं, और अलग अलग तरीके की काफी सारी मशीनें बनाते हैं। तो जैसे कि ये मेरे पीछे देखी थी आपने, तो आज देखो मैं आपको अपनी फैक्ट्री में लेकर आया हूँ कि किस तरीके से मेरी मशीनें बनती हैं, किस तरीके से काम होता है। ये आप देखो बैक साइड में बेल्डिंग हो रही है, ये अवतार मशीन की बॉडी रेडी हो रही है, किस तरीके से हो रही है। एक बॉडी यहाँ पर रखी हुई है, एक बॉडी उधर कोने में आप देखेंगे उस तरीके से रखी हुई है, वहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ है उसका। इधर आप देखेंगे साइड में तो ये व्हील रखे हुए हैं, जो कि अवतार मशीन में रखते हैं, यहाँ पे रखे हैं, यहाँ रखे हैं, ये रखे हैं, ये इस तरीके से। तो यहाँ पे और बहुत सारी चीजें होती हैं, मशीन वगैरह रेडी होती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जैसे कि ये है एक ट्रैक्टर की ट्रॉली, इस टाइप की मशीनें भी रेडी होती हैं, वो उधर आपके पीछे भी रखोगी है। तो इस तरीके से सब यहाँ पे रेडी होता है। तो आज मैं फैक्ट्री टूर आपको कराने वाला था, तो ये मेरी फैक्ट्री है, और भी मैं आपको बाकी चीजें दिखाता हूँ इसमें। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा सेटअप है लोहे का, ठीक है ना। ये काफी ज्यादा बढ़ चुका है, रोड के किनारे पे है। तो मैं आपको अंदर ले चलता हूँ, जहाँ पे मैं आप अपनी फैक्ट्री सेट कर रहा हूँ, तो आप वहां पे भी देख सकते हो कि वहाँ किस तरीके से सेटअप लगा हुआ है। ये मैं पूरा सेटअप लगवा रहा हूँ, आप देखें किस तरीके से पूरा टीम सेटअप लग रहा है ऊपर की तरफ, ताकि यहाँ पे काम हो। यहाँ अभी सिर्फ सेटअप लग रहा है, किस तरीके से यहाँ पे पूरी ये पुली लगेगी, जिससे कि बड़ी बड़ी मशीनों को ऊपर नीचे उठाया जाएगा, खींचा जाएगा, ये उस हिसाब से पूरा सेटअप हो रहा है। अभी यहाँ पे टाइम लगेगा काफी, तो इसलिए यहाँ भी इसी तरीके से है सेटअप सारा। मशीन रेडी क्यों नहीं करवाई जा रही है, कराओ यार इसको रेडी कराओ, ये वाली जानी है इधर, ये बॉडियां पड़ हुई है साइड में, इनको भी रेडी करवाओ कल तक के लिए। ये इधर बॉडी पड़ी है, इधर बॉडी पड़ी है, सारा सामान फैला पड़ा, चढ़ाने के लगे हुए हैं। तो जैसे कि ये इधर रखे हुए हैं, ये कुछ ब्रांड्स के नाम रखे हुए हैं, जैसे कि आप अपने नाम से अगर कुछ ब्रांड से बनवाना चाहते हैं, ये एक पार्टी ने बनवाया था, ये उनका ब्रांड है, बाकी नाम से आप अपने नाम से भी बनवा सकते हैं। ये अलग अलग तरीके के रखे, ये फैंसी फूट रखे हुए हैं, जो कि लेडीज की चप्पल में लगते हैं। इधर पॉलोथीन रखे हुए हैं, इधर ये MRP के टैग रखे हुए हैं, स्टिकर रेडी टू मेड, प्रिंटिंग का फर्मा है, ये वही केमिकल है जिससे हमने चप्पल चिपकाई थी बरगद का। इधर आप देखेंगे तो डाइया रखे हुए हैं, ग्राइंडर रखे हुए हैं। तो हर चीज आपको यही एक छत के नीचे मिलने वाला है, चप्पल से रिलेटेड आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो जैसा कि आपने पूरा वीडियो देखा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो आप इस पे नंबर पे डिस्प्ले पे जो कॉल नंबर चल रहे हैं उस पे कॉल कीजिए, या आप आना चाहते हैं तो आपका एड्रेस भी है पूरा डिस्क्रिप्शन में, आप पूरे एड्रेस पे भी करिए। अगर आप खुद से ये काम नहीं करना चाहते, किसी के लिए दूसरे के लिए काम करना चाहते हैं, तो आप उसको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि किसी बेरोजगार को एक रोजगार मिल सके, अच्छा काम मिल सके। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।